नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेड प्रोटेक्ट। दोस्तों, मैं आज आपको दो बेहतरीन शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका अगर रिटर्न्स देखें, पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का रिटर्न्स देखें, तो ये किसी भी फिक्स डिपोजिट से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। आपको एवरेज एवरी ईयर 15 से 20% का रिटर्न्स दे रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये ग्राफ दिखाया था और बताया था, ये बताइए कि कौन सा स्टॉक्स है जो ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, और कई लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है। तो इस स्टॉक्स के नाम बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको शायद वो एडवर्टाइजमेंट याद होगा कि वेयर इज़ द होल, नहीं याद है? तो चलिए देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, तो आपको शायद याद आ जाएगा कि कौन सी कंपनी का शेयर है। Looking for a hole? Here is the hole. Polo, mint with a hole. जी हाँ, ये है पोलो का एडवर्टाइजमेंट, और पोलो अब 75 ईयर्स की हो चुकी है। जी हाँ, तो आपको याद है पोलो किस कंपनी की है? आपको अगर ये याद नहीं है तो फिर आप ये एड जरूर आपने देखा होगा, आप इसे जरूर देखिए। चलिए, आपको याद आ गया होगा, यह है मैगी, और मैगी की बनाने वाली कंपनी है निस्ले, जो निस्ले इंडिया का स्टॉक्स है। और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप वाकिफ़ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किटकैट है, मंच है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके। और ये जो कंपनी है 150 साल पुरानी कंपनी है, और इसके 191 कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट हैं, मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स हैं। और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज मेकिंग कंपनी। तो चलिए इसका देखते हैं आगे डिटेल। मैं आपको इसका पिछले 8 साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो एक कंसिस्टेंट इसमें ग्रोथ हो रहा है। अगर आप देखें इसमें तो दो जगह ऐसा है कि ग्लिच हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस गिरा है 2015 में, आपको याद है ना, मैगी का इशू आया था और मैगी हर जगह बैन कर दिया गया था, और मैगी कंपनी को सारे स्टॉक्स वापस लेने पड़े थे। तो उस समय इन्हें काफ़ी लॉस हुआ था, उस कारण इसके शेयर प्राइस भी पिटा था। लेकिन बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों में उन्होंने वापस रिकवरी किया और वापस मार्केट में आ गए। उसके बीच में कई सारे कंपटीटर कंपनी के नूडल्स आए, बाबा के भी नूडल्स आए, लेकिन इसने फिर भी सबको पछाते हुए फिर से ये मार्केट में अपना धाक जमा लिया। और आप जो ये दूसरा ग्लिच देख रहे हैं, आपको याद है ना ये ऐसा क्यों हुआ था? आपको याद है बहनों और भाइयों क्या हुआ था? आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट पे इम्पैक्ट आया था, बहुत सारे मार्केट पे इम्पैक्ट आया था, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आया था, थोड़े शेयर प्राइस इसके भी गिरे थे, लेकिन बाद में इसने फिर से रिकवरी किया। अभी देख रहे हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा जंप मारा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। तो ये इसका कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर छोटे मोटे इश्यूज तो हर कंपनी में आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, एफ टी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। हाँ, इसके प्राइस जो है, शेयर प्राइस थोड़ा सा हाई है, आपको लगेगा कि इसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली है, 10,000 का प्राइस है इसका। तो आप जब भी किसी एफ डी में लगाते हैं तो थोड़ा बड़े अमाउंट ही लगाते हैं, 5,000-10,000 रुपये लगाते हैं, और लंबे समय के लिए लगाते हैं, 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स के लिए। तो अगर आप 10,000 का एक शेयर खरीदते हैं और अगर 3 साल 5 साल के लिए अगर छोड़ दें, तो आपको किसी भी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। चलिए अब जल्दी से इसका फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। अगर इसका आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लास्ट ईयर 13,933 मिलियन रुपीज़ था, जो कि इस बार बढ़ के 15,867 हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन भी 12% से 13% हो गया है। EPS भी देखिए, लास्ट ईयर 144 रुपीज़ था, इस बार 164 रुपीज़ हो गया है। और इसका अगर डोमेस्टिक सेल देखें वो भी काफ़ी बढ़ा है। रेवन्यू देखें तो 10% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एक्सपोर्ट सेल देखें तो 6% बढ़ा है।
डोमेस्टिक सेल भी 18% पर रहा है, और सबसे बड़ी बात इसका डिविडेंड, एवरी ईयर बहुत अच्छी डिविडेंड देती है, इस साल अभी तक 100 रुपीज़ से ज़्यादा डिविडेंड दे चुकी है। चलिए देखते हैं नेस्ले इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स के पास 62% है जो कि बहुत ही अच्छा है, FII के पास भी 12% है वो भी अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड भी होल्ड कर रही है 2.28%, इंश्योरेंस कंपनियों के पास है 5.5% शेयर्स जो कि बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इसे होल्ड कर रहे हैं। और अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो मैं आपको पहले चार्ट में दिखाया था, इसमें अगर आप देखें तो MACD ग्राफ को भी देखें तो ये थ्रू आउट पॉजिटिव जोन में ही है। अगर इसका जो दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट बता रहे हैं कि उनके हिसाब से बोलिंगर बैंक भी देखेंगे तो बुलिश है, मूविंग एवरेज में भी बुलिश है, तो सभी लोग बुलिश हैं। ये एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल का चार्ट है। दोस्तों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ अपना दूसरा FD स्टॉक्स। इस दूसरे FD स्टॉक्स बताने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और अपने दो चार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो उनके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें डिसाइड करने दीजिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ मेरा दूसरा FD स्टॉक्स। इस स्टॉक्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वॉरेन बफेट का एक रूल है कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जिनका प्रोडक्ट आज से 20 साल पहले भी यूज होता था और आज भी उसका प्रोडक्ट यूज होता है, और वो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट अगले 20 साल तक भी सेल होता रहे। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को चूज करना है जिसका प्रोडक्ट 20 साल पहले भी थी, आज भी है और 20 साल के बाद भी रहेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर फेसबुक का स्टॉक्स देखें तो क्या फेसबुक 20 साल पहले थी? नहीं थी। आज फेसबुक है, क्या आपको लगता है 20 साल बाद भी फेसबुक रहेगा? हो सकता है इससे अच्छे सॉफ्टवेयर भी आ जाएं, तो कुछ गारंटी नहीं है। आप ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए जिसका प्रोडक्ट 20 साल पहले भी जो होता था, आज भी जो होता है और 20 साल बाद भी होगा। फॉर एग्जांपल 20 साल पहले भी लोग अपने घरों को पेंटिंग करवाते थे, आज भी लोग पेंटिंग करवाते हैं, 20 साल के बाद भी लोग घरों को पेंटिंग करवाएंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा पेंटिंग कंपनी है जो 20 साल पहले भी थी और आज भी है, इतने सारे कंपटीशन आ चुके हैं उसके बाद भी वो अभी नंबर 1 पे बनी हुई है क्योंकि अपने प्रोडक्ट में वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं और वो कंपनी 20 साल बाद भी रहेगी। तो मैं ऐसे ही एक पेंट कंपनी को चूज कर रहा हूँ वो जो कि अभी पेंट कंपनी में नंबर 1 है, और ये है एशियन पेंट। अब देखिए एशियन पेंट जो है समय के हिसाब से वो नए नए पेंट मार्केट में लाते रहते हैं, अल्टीमा है, रॉयल है, रॉयल इमर्सन है, बहुत सारे पेंट लाते जाते हैं जिससे कि वो कंपटीशन में भी आगे बने रहें। अब एशियन पेंट का मैं पिछले 15 साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में देखें तो पिछले 10 साल में 1000% रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 228% रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 57% रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 23% रिटर्न दिया है, और अगर 1 जनवरी 2018 से देखें तो अभी तक इसने 22% रिटर्न दिया है, लास्ट 1 मंथ में देखें तो 3% रिटर्न दिया है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे गिरे हुए हैं, सिर्फ कुछ सा स्टॉक हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक फिर भी बना हुआ है। देखिए एशियन पेंट में इसके बहुत सारे कंपटीटर हैं फिर भी ये नंबर 1 क्यों बना हुआ है? अब होता क्या है कि अगर आप जब भी घर को पेंट करवाते हैं, या मैं अपने ही बात बताता हूँ, जब मैं लास्ट टाइम अपने घर को पेंट करवा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं जब भी घर पेंट कराता हूँ तो लगभग 5 साल 6 साल के बाद ही कराता हूँ, तो हर साल तो कराता नहीं हूँ, तो फिर सस्ते पेंट के पास क्यों जाऊँ, जब करवाना ही तो अच्छे पेंट कराऊँ जिससे कि इसका लास्टिंग ज़्यादा हो, और एशियन पेंट ऐसे भी 3 ईयर्स की वारंटी देती है। तो इस वजह से एशियन पेंट अभी भी नंबर 1 बना हुआ है। अब एशियन पेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास अभी भी मोर देन 52% शेयर्स हैं, FII के पास 15% है, म्यूचुअल फंड के पास भी लगभग 3% है, इंश्योरेंस कंपनियों के पास 9% है। और अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें तो इसका MACD ग्राफ भी बता रहा है कि ये बुलिश ही है, बुलिंगर बैंड्स के भी देखें तो बुलिश ही दिखेगा, मूविंग एवरेज देखें बुलिश ही है, दौड़ते हुए देखें तो उसमें भी बुलिश है। तो हर तरीके से हर टेक्निकल एनालिसिस जो आप ग्राफ में करते हैं उसके हिसाब से इसका प्राइस बुलिश ही है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप एवरेज देखें 3 साल 5 साल का तो इसका रिटर्न हमेशा 15 से 20% से ज़्यादा ही रहा है, और इसके मार्केट में उतार चढ़ाव से ज़्यादा इस पर डिपेंड भी नहीं होता है।
दोस्तों और भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। मैं आपको एक स्टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने बच्चे का वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास गया था तो वहाँ मैंने वैक्सीनेशन के एक पोस्टर पर देखा था एक कंपनी का नाम। जब मैंने उस कंपनी के नाम को सर्च किया शेयर मार्केट में तो देखा कि उसका ग्राफ ही बहुत ही कॉन्स्टेंट है, जो कि मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा हूँ। तो आप गेस कीजिए कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो बच्चों का वैक्सीनेशन बनाती है और उसका शेयर प्राइस ही कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। और लोग वैक्सीनेशन तो बंद करेंगे नहीं, लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन तो देंगे ही। दिन पर दिन वैक्सीनेशन भी ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे वैक्सीनेशन आ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का मार्केट तो कभी बंद होगा नहीं। और ये कौन सा कंपनी है जो इतने सारे वैक्सीनेशन बना रही है और उसका ग्राफ भी इतना अच्छा है? तो चलिए आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए ऐसा कौन सा कंपनी है, और इसका इस पर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मिलेगा मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। और प्लीज़ 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 कमेंट लिख के बताइए कि इस वीडियो को में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप भी मैगी खाइए और नेस्ले का स्टॉक्स पर पैसे कमाइए।